राजू को भी पता नहीं है मैथिली ठाकुर पे कलाकार हो। अगर आप सौराठ के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, माफी तो मांग ली नहीं, पब्लिकली माफी नहीं। ये सब दुकान दरभंगा महाराज में है। अच्छा अच्छा, इस बगैर पूरा जो है वो भी यहाँ दरभंगा महाराज में है। अतिक्रमण कर लिया गया। अच्छा, ये सब अतिक्रमण है जी। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं सौराठ में, और सौराठ का एक पुराना जो धरोहर है, सौराठ गाछी में है हम। और ये जो जगह है वो कहीं ना कहीं बेहद ऐतिहासिक है। इसके बारे में बहुत सारी ऐतिहासिक कथाएं हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। अक्सर इस गाछी का और सभा का चर्चा होता रहा है। आज हम इस सभा के बारे में जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन को लेकर के बड़े बड़े फैसले हुए हैं, किस तरह यहाँ जो लड़की का पक्ष होता है या लड़का पक्ष होता है वो यहाँ आते हैं, और अपना वर वधु को चुनने का जो यहाँ पर काम होता रहा है वो कहीं ना कहीं एक परंपरागत रूप से होता रहा है। कई सालों से, सदियों से यहाँ पर ये सभाएँ लगती रही है। यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक कथाएँ हैं, ऐतिहासिक यहाँ पर धरोहर के रूप में हम पीछे भी देख पा रहे हैं, आप एक पत्थर है। क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ इसकी इतिहास है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर आप लोगों ने भी ये समाचारों में और अलग अलग जगह सुना होगा कि किस तरह यहाँ पर शादियाँ होती रही हैं। कई दफ़ा ये जगह विवादों में भी रहा है, लेकिन इस विवाद के पीछे क्या कुछ वजह रही है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे ये चीज़ जानने का कि जब ये गाछी यहाँ पर रहा है, जब सभाएँ होती थी, तो कब तक आखिर यहाँ सभाएँ होती रही है। हमने पहले भी जाना है कि लगभग 125,000 यहाँ पर मैथिल ब्राह्मण आते थे, एक सभा लगती थी, और अक्सर जून के महीने में यहाँ पर सभाएं होती थी, और तरह तरह करके लोग जो मैथिल ब्राह्मण लोग होते हैं वो यहाँ आते हैं, और अपने वर और वधु को चुनने का यहाँ पर काम किया जाता है। आसपास में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के पुजारी हैं, मंदिर है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसका इतिहास। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहन झा, पुजारी सौराठ सभा का छी, बाबा माधेश्वरनाथ मंदिर के मैं पुजारी हूँ जी, जिस जगह पर आप खड़े हैं। अच्छा अच्छा, क्या कुछ इतिहास रहा है इस गाछी का? ये गाछी का बहुत भारी इतिहास है जी। ऐतिहासिक सौराठ सभा है जी। यहाँ ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण यहाँ आते थे जी, वर लेकर, और वधु वाले यहाँ लड़का को चयन करता था, शस्त्रार्थ होता था। पहले तो संस्कृत का पढ़ाई था, उसमें शस्त्रार्थ होता था। अब हिंदी मीडियम के पढ़ाई हो गया है, उसमें IAS, IPS, BPSC, UPSC, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब खोज करके लड़की वाला ले अपना लड़का के चुन करके डिग्री देख करके ले जाते थे अपने घर पर और शादी रचाते थे जी। क्या कुछ वजह रही है जो अब जो पिछले 20 सालों से, पिछले कुछ दशक से यहाँ पर जो पहले वाली जो चमन थी वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, क्या कुछ वजह हो सकती है? हाँ है, वजह है। 1980 तक यहाँ 125,000 ब्राह्मण आते थे जी। जब से लालू यादव का राज हुआ, तब से हमारा मिथिलांचल की ऐतिहासिक सौराठ सभा का थी विलीनता की ओर गई। अच्छा, जब तक 1985 में, 80-85 में जब यहाँ सौराठ सभा लगता था, तो मिथिलांचल के 7 ऐसा वहाँ के विधानसभा था, उसमें से ब्राह्मण ही चुन के विधानसभा में जाते थे जी। तो अच्छा, लोकसभा से यहाँ दिल्ली जाता था जी। लेकिन जब तक ये उल्टा पुल्टा होने लगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हर जन अतपर पिछड़ा होने लगा, उसमें विलीनता बिहार सरकार ने या केंद्र सरकार ने ये भी कानून रात दिया यहाँ का, तो जो दहेज लेता है और वो पकड़ा जाएगा तो उसे 2 साल का जेल होगा जी। यहाँ तो दहेज का की थोड़ा मोड़ा बात होता था, यहाँ पैसा तो नहीं दिया जाता था, लेकिन थोड़ा मोड़ा बात होता था, कपड़ा लगता है इधर उधर में खरीदारी तो कन्यादान करता है तो खरीदना ही पड़ता है, उसमें मिडोरी एक्ट उसमें पकड़ा कर जेल गया था। लेकिन जब तक सौराठ सभा लगा है, 7-8 MLA मधुबनी विधानसभा से जाता था। आखिरी दफा कब लगा, क्या अभी भी लगता है यहाँ? अभी भी लगता है जी, लेकिन 125,000 में नहीं, 1,000 में लगता है। शादियाँ होती है, होती है, 10-20 लड़का के हर एक साल शादी होती है यहाँ। पिछले दिनों अब यहाँ मधुबनी मिथिलांचल के एक सिंगर है, मैथिली ठाकुर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र करते हुए कटाक्ष किया था कहीं ना कहीं कि यहाँ पर इस तरह से बेचने का काम किया जाता है, क्या कहेंगे यहाँ वो? लेकिन वो उनको बोलने नहीं आया मैथिली ठाकुर को, लेकिन मिथिलांचल का वो बहुत अच्छा गायिका है, उनको सम्मान करते हैं, लेकिन उनको बोला, बोलने में गलत हो चुका है, लेकिन वो बोला ये सौराठ सभा है तो हाँ, पिताजी ने बोला हाँ,
यहाँ लड़का दुल्हा बिकता है ये बात कटाक्ष किया, लेकिन पता चला है कि मैथिली ठाकुर ने गलती माफी मांगी है। हाँ, मिथिलांचल के ब्राह्मण से, किस ब्राह्मणों से आकर के गलती मांगी है, तो हम ये बात गलत बोले हैं। पीछे ये पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर और मजाबते बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, क्या वजह है इस पत्थर की, क्यों लगा हुआ है ये पत्थर यहाँ पर? ये पत्थर इसलिए लगा हुआ है कि पहले 70-75-80-85 ईस्वी में तक 25 लाख ब्राह्मण आते थे, वहीं यहीं एक पाखर का वृक्ष था जो यहाँ पाखर के गाछ 25 लाख ब्राह्मण आते थे तो मोल जाता था, और अच्छा सवाला हाँ पेड़ का पत्ता मोल जाता था और उसके बाद 10-20 हज़ार सौ सकड़ा निकल गया पूरा हरा भरा हो जाता था, उसी का इंडिकेटर है यही पाखड़ी का वृक्ष था। क्या वजह थी, मतलब अगर 25 लाख लोग आते थे तो पेड़ मुरझा जाता था पत्ता मुरझा जाता जी था। और जब जाते थे तो हरा भरा हो जाता था, वो धर्म था। यहाँ क्या साइन है इसका, क्या ये धार्मिक वाला बात है, सो अखिल ब्राह्मण में उतना शक्ति था, तप था, अच्छा उनके तप की वजह, तप की वजह से ये होता था, आपने वो तप रह गया होता था। जैसे ब्राह्मण आए यहाँ पर 25 लाख लोग एकत्रित हुए तो तुरंत हो जाता था, हाँ, और जैसे ही निकलने लगे तो पूरा हरा भरा होने लगा। अच्छा, ये इतिहास है। और जो यहाँ पर ये जगह है तो इसके बारे में और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इधर जो एरिया है, ये पोखर जो है, ये तालाब उसी वक्त से है? हाँ हाँ। किसने बनाया था ये गाछी यहाँ पर जो सभा लगता है, किसने बनाया है, कुछ आपको इसके बारे में जानकारी है? मुझे ये दरभंगा महाराज द्वारा निर्मित किया गया, ये दो पोखरा है, दो सागर है। अच्छा अच्छा। 22 कट्ठा 22 बीघा 11 कट्ठा 7 दूर का ये प्लॉट है। अच्छा, उसमें दो तालाब है, एक कुआं है, अच्छा, मंडप है और मंदिर है। 22 बीघा जमीन है जी, 22 बीघा जमीन है। यहाँ पर एक ये नजर आ रहा है कुआं है, ये भी कुआं बहुत पहले से है, अभी घेर दिए हैं, साढ़े 300 वर्ष का ये कुआं है। अच्छा अच्छा, अभी घेर दिए, पानी वानी है इसमें? पानी में पानी उनी सब कुछ है, इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कभी कभी, आप जब से चापाकल हो गया उसका इस्तेमाल कम हो गया। हाँ हाँ, तो अभी घेर दिए हैं। इसके बारे में पता चला था कि कभी हाथी इसमें डूब गया था ऐसा कुछ? हाँ हाँ, ये पहले मुंडा था। अच्छा अच्छा, मतलब घेरा हुआ नहीं था? नहीं था, उसमें पानी पीने के लिए हाथी आया उलट गया, बच्चा हाथी था उलट गया। अच्छा, उतना ब्राह्मण यहाँ थे, 25 लाख ब्राह्मण थे या 50-50 हज़ार आदमी ब्राह्मण थे, वो सब वो हाथी को रस्सी से निकाल लिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, रस्सी से ही निकाल लिए, नीचे गए बांध के निकाल। हाँ हाँ, अच्छा। और क्या है यहाँ पर, कहाँ पे लगता है सभा, कहाँ पे लगता? यही जो जिस पर आप हमें घुमा रहे हैं, यही पर सभा लगता है। अच्छा अच्छा, कहते हैं कि लोग जब ब्राह्मण जब विद्या हासिल कर करके भी यहाँ आते थे, हाँ, विद्या लेने के लिए भी, पहले संस्कृत का पढ़ाई था, काशी से आते थे, बनारस से आते थे, हाँ, वहाँ से पढ़ लिख कर आते थे, विद्वान बन के आते थे, यहाँ शास्त्रार्थ होता था। अच्छा। ब्राह्मण पंडित से शास्त्र में बात होता था, बस होता था, उसमें जो जीता उसका पुरस्कृत मिलता था। अच्छा। और उसी लड़की से वो कितना लड़का वाला लड़की वाला वो लड़का को चुना, अपना घर पर जाकर शादी करा लिया। अच्छा अच्छा, तो ये सब तो खैर अब नहीं हो पाता है, अभी वो नहीं हो पाता है, और नहीं अब लोग संस्कृत का पढ़ाई उतना करता है, क्योंकि पहले तो व्यवसायी था संस्कृत, अब व्यवसायी संस्कृत नहीं रह चुका, हम लोग संस्कृत पढ़ के बैठे हैं। यहाँ आसपास में जो ये एरिया है, कहाँ ये दुकान वगैरह इसी में है? ये सब दुकान दरभंगा महाराज में है। अच्छा अच्छा, इस बगैर पूरा जो है वो भी यहाँ दरभंगा महाराज में है। अच्छा अच्छा, अतिक्रमण कर लिया गया है। अच्छा अच्छा, ये सब अतिक्रमण है जी, तो इसका आप लोग शिकायत नहीं? शिकायत जिला प्रशासन के पास किए हैं। अच्छा, तो इसका अब जो देते होंगे ना, ये महाराज को देते होंगे? कुछ नहीं देते हैं महाराज को भी, महाराज के किसी को नहीं जाता? नहीं जाता है। अधर मंदिर का ट्रस्ट वगैरह होगा? वही ट्रस्ट ना, धार्मिक न्यास बोर्ड जो है। अच्छा। तो उसमें भी नहीं जाता है? नहीं जाता, नहीं जाता। कंप्लेंट किए हैं? कंप्लेंट किए हैं, कितना बार किए हैं? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है? कौन कार्रवाई नहीं हुआ है, एक महीना पहले, बड़ा धरोहर है यहाँ तो, डीएम एसपी खुद आ सकते हैं? एक महीना पहले जाकर के डीएम के यहाँ जाकर के आवेदन दे आए हैं। अच्छा अच्छा, मुलाकात ट्रस्ट बोर्ड के मैनेजर आकर के वहाँ रखा है। क्या कह रहे हैं डीएम साहब? वो कहते हैं देखेंगे देखेंगे। हाँ, अभी नया पर एक अतिक्रमण हो गया है सभा का, 20 सभा का चिन्ह। अच्छा अच्छा, स्थानीय लोग कहाँ पे?
वो पक्का ईटा देख रहे हैं। हाँ हाँ, जो ईंट गिरा हुआ है। हाँ, ईंट गिरा है। अच्छा। वहाँ अभी स्थानीय लोग ने अतिक्रमण कर लिए हैं। हाँ, और उस पर कैसा कैसी होया है। एडीएम भी आए हुए थे। अच्छा। एसडीएम आए हुए थे, वो निरीक्षण करके 144-107 करके गए हैं। तो अभी जो यहाँ हालात बना हुआ है, तो सरकारी कुछ सुविधा है कि नहीं है? कुछ पहले सरकारी सुविधा होती थी स्वराज सभा के समय में। कब तक? वो 80-85 लालू जी की सरकार आई, सब खत्म। हाँ, सब खत्म। उसके बाद नीतीश जी का आया, फिर कुछ नहीं हुआ। वही आधार वही रह गया। नीतीश जी में भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था तो लोग गाना गा रहे थे, मैथिली ठाकुर भी गाना गाए कि बिहार में काबा। हाँ। बिहार में काबा में बताया कि बिहार में बहुत कुछ है, सब कुछ है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो है, जमीन पे तो दिक्कत दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए इतना बड़ा सभा गाछी है, अतिक्रमण है, ये सब मामला है, कब से है अतिक्रमण यहाँ पे? ये करीब करीब 84-85 से अतिक्रमण है। 85 से मतलब हो गया 15 साल उधर। हाँ, इधर 20-35 साल। हाँ, तो से पहले कुछ था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दो चार था, अब आपके संख्या में बढ़ गया है। संख्या में बढ़ गया है, तो अभी जो हाल बना हुआ, अगर कार्रवाई नहीं हो तो कल को तो गाछी बिल्डिंग में तब्दील हो जाएगा। तो मंशुरुआत हो चुका है, अब हम लोग लगे हैं, वो नहीं हो। ये इधर मंदिर है, ये 2004 ईस्वी में जी। अच्छा, मंदिर नहीं, श्री राम महाजग यहाँ हुआ था। अच्छा अच्छा, मंडप है। अच्छा, तो ये महायज्ञ के बाद फिर अभी नहीं हुआ है? महायज्ञ कब होता है? समय समय पर होता है, ये कोई बड़ा समय नहीं है। कभी नवाह हुआ, कभी रामायण हुआ, कभी अष्टयाम हुआ, ये इसके लिए बना हुआ है। और ये समय कोई बड़ा नहीं। विवाह जो है यहाँ, तो विवाह यहाँ भी होता है कि यहाँ सिर्फ चुन के चले जाते? नहीं, सौराष्ट्र सभा में विवाह यहाँ नहीं होता है। लड़का चुन के लिए अपना घर पर ले कर जाता है, वहाँ शादी, घर पर ही शादी होता है। तो यहाँ यही होता है, जो उस समय में जिस समय में शादी का लगन नहीं हो। हाँ। उस समय में आकर के मंदिर में आकर के शादी रचाता है, तो हो जाता है। आपको पेमेंट वेमेंट मिलता है, सैलरी वैलरी? हाँ, मिलता तो है, लेकिन सब नाम माने नाम हंसी के नाम पर 51 रुपया महीना मुझे मिलता है। 51? हाँ, लज्जा हो रही है इस बात सुन के। 51 रुपया सैलरी है आपका? जी, 51 रुपया। तो हम लोग का अभी आएंगे कहीं जाएंगे तो मोटरसाइकिल में आजकल पेट्रोल 1 लीटर होता है 100 रुपया में। समझ लीजिए, मेरा खानदान में पिताजी आपके क्या यही थे, इसी मंदिर के पुजारी थे। उस समय में मेरा पिताजी के 5 रुपया वेतन मिला था, आप मुझे 51 रुपया मिलता है, उसमें क्या होगा। लेकिन मेरा खानदान दर खानदान इसमें पूजा करते रह गया है, पूजा कराते रह गया है, इसीलिए मैं इस मंदिर को पकड़ कर रखा हूँ। जीवन यापन कर रहे हैं आप, जब 500 देखिए 500 रुपया थोड़ा मोड़ा अटारी बटाई करके थोड़ा जमीन उमीन कर लेते हैं, उससे मुझे परवरिश अच्छा ढंग से नहीं चलता है, लेकिन चला। अच्छा, लेते हैं। ये इधर का एरिया क्या है? ये धर्मशाला है। धर्मशाला चलता है? चलता है, लेकिन अभी भी नहीं रहा धर्मशाला। धर्मशाला तब्दील हो चुका है। अच्छा, इसमें ANM का केंद्र खोल दिया गया है। ये भी अतिक्रमण है? अच्छा, अतिक्रमण है, ये भी अतिक्रमण है। ANM का यहाँ नर्सिंग होम खोल दिया गया है। चलिए ठीक। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पीछे नर्सिंग होम है, एक नर्सिंग सेंटर, नाम तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा इंस्टीट्यूट? आलोका। तालोका चलता है? चलता है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि भैया जब गाछी है यहाँ पर, बहुत मशहूर है सभा गाछी, यहाँ पर इंस्टीट्यूट कैसे खुला है? अभी पुजारी जी बता रहे थे अतिक्रमण है, क्या कुछ मामला है? सर आप बताइए। यहाँ के तो हम स्थानीय नागरिक हैं जी। ये जो इंस्टीट्यूट जो है, ये इसमें ना पढ़ाई होता है? अच्छा, पढ़ाई नहीं होता? नहीं नहीं, वो नर्स कहीं कभी खुलता है, ये फर्जी डिग्री देता है। अरे वाह, ये फर्जी डिग्री देता है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी भी नहीं खुला हुआ होगा? कभी नहीं खुलता है, ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। और इसका अभी तक 2 बार नाम बदल चुका है। अच्छा, नाम भी केबल केबल पेपर पे चलता है और डिग्री देता है। हाँ, कई बार शिकायत किया गया स्थानीय प्रशासन से, कोई सुनवाई नहीं, इस पे कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम था इसका? इसका पहले कुछ दीप नहीं, माँ भगवती नर्सिंग, दीपक नर्सिंग होम करके कुछ था, माँ भगवती।
था उस टाइम में भी है, ये बहुत बड़ा ये मेडिकल माफिया, किसी मेडिकल माफिया का है और यहाँ फर्जी डिग्री बेचता है और नाम के लिए खोला हुआ है। और यहाँ का विकास की जहाँ तक बात है, सरकार और दरभंगा महाराज ट्रस्ट दोनों फंसा के रख दिया है। बड़ा मामला आ रहा है दरभंगा महाराज का, जो जमीन सब है वहाँ पे अक्सर जो भूमाफिया लोग है। देखिए क्या है, आप यहाँ जो है सौराठ सभागाछी जो है, सो महाराज जब थे तो ये मिथिलांचलों के जो ब्राह्मण थे उनको दिए थे कि आप सभा यहाँ लगता था उसके लिए दिए थे। ये जो जैसे आप देखे हैं कि सामने ये जो मेडिकल वो नर्सिंग ट्रेनिंग है, इसमें रहने की व्यवस्था होती थी पहले, ये वहाँ थी, सब जगह बना दिए थे महाराज यहाँ रहने के लिए। लेकिन जब महाराज चले गए, शायद महारानी भी अब है कि नहीं है, एक बार आवाज़ आई थी कि महारानी मर गए, तो उनका जो वो ट्रस्ट में जो कर्मी जो है ना, वो लोग पूरे फर्जी करते हैं, यहाँ पे एनओसी नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, और सरकार इस पे तात्पर्य नहीं हो रहा है। जी। आप चली जाइए अहल्या स्थान में मिला कि नहीं एनओसी, सरकार जब तात्पर हुआ तो अहल्या स्थान में मिला, मुख्यमंत्री जी गए तो मिला वहाँ, तो सरकार चाह रही है कि विकास से भागना चाह रही है तो एक बहाना लगा रही है, और उसमें जो है दरभंगा महाराज ट्रस्ट भी कर रहा है बदमाशी। यहाँ जो है कोई काम जो होगा तो एनओसी नहीं मिल रही है और सरकार उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रही है। सरकार तो कहती है कि हम चलिए तैयार हैं, यहाँ हम जो है सो यहाँ पार्क बनवा देंगे, पर्यटन स्थल बनवा देंगे, लेकिन एनओसी कौन लाएगा? हम लाएंगे, सरकार आपकी है, सब कुछ आपकी है, प्रशासन आपकी है। तो यहाँ जो है पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ जो है सो बहुत सारा ललित नारायण झा का देन है, ललित नारायण मिश्रा का, जो सब यहाँ ये चबूतरा उतरा ये देख रहे हैं, घाट निर्माण ये सब उन्हीं सब के टाइम में बना है, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब देख रहे हैं कि जो है सो मधुबनी जिला में सबसे पुराना पुस्तकालय है, कहाँ है सामने यहाँ से देखिएगा, वो अभी है सबसे पुराना पुस्तकालय है। इनका जो है सो उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था, वो जो वहाँ लोग खड़े हैं, हाँ जगन्नाथ मिश्र जी से पहले कोई मुख्यमंत्री थे वही किए थे, उसका देख लीजिए ना, उसमें बुक है ना, कहीं सरकार एकदम उदान, यहाँ विदेश से, यहाँ विदेश से लंदन से भी किताब आता था उस जमाने में। है कि नहीं किताब? कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कुछ किया ही नहीं, किताब कहाँ गया, बेच दिया, नहीं दीमक लग गया, खा गया, कुछ किया ही नहीं, सरा हुआ था सब कुछ, सरा है एकदम, हम सब साफ किए। यहाँ देखते हैं कि यहाँ मजबूर है लोग, यहाँ खुले में शौच करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। अभी तो सरकार जो है नीतीश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कहते हैं भारत अब नहीं कुछ नहीं, बस कहने के लिए शौच मुक्त हो गया एकदम, प्रशासन स्थानीय सरकार और दरभंगा ट्रस्ट जो है दरभंगा महाराज का ट्रस्ट, ये दोनों आपस में मामला फंसा के सौराठ सभागाछी का विकास रोक दिए हैं। मतलब सरकारी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, बहुत और विवाद में भी रह रहा है। ये अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीनों पहले मैथिली ठाकुर की वजह से भी थोड़ा सा मामला देश भर में हुआ। मैथिली ठाकुर वाले जो बात है वो एक साल पहले, साल भर पहले मैथिली ठाकुर गाड़ी से जा रहे थे, एकदम मैथिली ठाकुर यहाँ की बेटी है और बड़ा खुशी है मिथिलांचल में था कि जब मैथिली ठाकुर इतनी बड़ी नाम कमाई, यहाँ की बेटी है, हम लोग भी कहते थे कि एक मिथिला की ये गौरव निकली। लेकिन मैथिली ठाकुर का बयान ऐसा आया, उस पर उनके पिताजी भी थे साथ में, बड़ा दुखद था, इसीलिए कि मैथिली ठाकुर को जो है जैसा संस्कार मिलेगा वैसा ही। मैथिली ठाकुर जो बयान दी थी कि यहाँ दूल्हों का बाजार है, यहाँ दूल्हा बिकता है, अच्छा, और उनको पता नहीं उनका परदादा जी का शादी यहीं हुआ था। अच्छा, अभी भी आप कहिएगा तो हम यहाँ पंजीकार जी हैं, उनको हम दिखा देंगे। अच्छा, उनके परदादा की शादी यहीं से हुई थी। अच्छा, उनको पता नहीं है, उनको पिताजी को भी पता नहीं है। मैथिली ठाकुर पे कलाकार हो गई है, मैथिली ठाकुर एक बड़ी हस्ती होती, बड़ी हस्ती होती, लेकिन वो एकदम पे कलाकार, हाँ, और उनको उनको एकदम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप सौराठ के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, माफी तो मांग ली, नहीं पब्लिकली माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी। अच्छा, लेकिन मिथिला के लोग जो है ना सो बड़े दिल के होते हैं, बड़े हृदय के, तब भी माफ कर दिए। पे कलाकार कह रहे हैं तो है ही पे कलाकार, बॉलीवुड से उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ लिया, गाना नहीं गाती है, कहती हैं बॉलीवुड का नहीं, ये सब कुछ नहीं, एक देखिए क्या है, ये सब कुछ नहीं है मैथिली ठाकुर के बारे में। देखिए मैथिली ठाकुर का हम लोग जो है सो जितने आगे बढ़े तो मिथिलांचल का गर्व होगा, लेकिन उनको यहाँ की संस्कृति पर आवाज नहीं उठाना चाहिए। पे कलाकार क्यों कह रहे हैं? पे कलाकार इसलिए कह रहे हैं ना कि कहीं पे कुछ होता है वो दूरा दरवाजा का कलाकार हो गए हैं। जैसे कि आपको प्रोग्राम करवाना है अपने यहाँ, दीजिए 2 लाख रुपए आ जाएंगे, ये तो नहीं आ जाएंगे, नहीं और आके और कुछ बोल देंगे
यहाँ तो ये बुराई है ये अच्छाई है, उनको बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट के बारे में बोले ना कि जहाँ जो प्रशासनिक चूक है ये है वो है। पूर्वज के बारे में बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनके दादाजी का यहाँ शादी हुआ, जो मन हुआ वो बोल देंगे। ठीक है, अभी तो स्टूडेंट है, नहीं जानकारी रही होगी। उनके पिताजी भी उसमें सहयोग कर रहे थे, दुख इस बात की है। अच्छा, आप पिताजी को असल में ले रहे हैं। हाँ, दुख इस बात की है, वो तो अभी बच्ची है, दुख इस बात की है, उनको घमंड हो गया है। उनको यही मिथिलांचल बिहार जो है, यहाँ पे जब राजद महागठबंधन की सरकार थी तो मधुबनी में जो है जब चल रहा था, इंडियन आइडल से हुआ है ना, चल रहा था, वोटिंग का टाइम था, जिस दिन सेमीफाइनल था उस दिन यहीं पे रामपट्टी में अनाउंस हो गया, रामपट्टी में कोई कांड हो गया था, हिंदू मुस्लिम हो गया था, तो बंद कर दिया गया था इंटरनेट। लेकिन कांग्रेस के मंत्री थे तब मदन मोहन झा ने, यहाँ से स्थानीय डीएम से बात करके इंटरनेट खुलवाए थे, तब वोटिंग हुआ था। तो वो चीज बिसर गए, वो चीज हम भूल गए, बड़े आदमी हो गए तो हमको क्या मिला। और जो मन होता है संस्कृति के बारे में, इतना बेकार थोड़ी है मिथिलांचल। सरकार उदास है, लेकिन इतिहास मिथिलांचल का वो जो देखिए पीछे, तो सरकार मिथिलांचल ही चलाती थी। विधायक जी यहाँ के क्या कुछ कर रहे हैं? विधायक जी तो अभी नए नए हुए हैं, अभी पुस्तकालय में जो है रिपेयरिंग के लिए जो है वो 5 लाख रुपया दिए हैं अपने कोष से। हाँ, और विधायक जी अभी तो नए नए हुए हैं। अतिक्रमण वाला कुछ मामला है? देखिए क्या है ना, यहाँ अतिक्रमण हम पहले ही बोले हैं, एक राउंड फिगर में पूरा बात बोलते हैं, सरकार और दरभंगा महाराज दोनों मिले जुले हैं। हाँ, एकदम ये सब बर्बाद करना चाहते हैं। आपका कहना है गलती इसमें सरकार खुद शामिल है? हाँ, शामिल है ना। हम कह रहे हैं कि हमको अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको पर्यटन स्थल बनाना होगा तो लोग कानून, विधानसभा में एक कानून ला दें। कानून ला दें, बनाना है तो। ये क्या कह रहे हैं कि महाराज नहीं दे रहे हैं, अहिल्या स्थान में कैसे दे दिए? मान्य न, और सब जगह जो है सो अभी जो है सो कपिलेश्वर में जो है ऐसा ही मैटर फंसा हुआ है। मानिए आपके उच्चैठ भगवती में कैसे हो गया वो? तो आपका मन नहीं है, केवल बोलते हैं, तो सरकार का मन नहीं है, सरकार की रवैया ठीक नहीं है। और हम इसमें तो कहेंगे कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हों या विधायक हों, दोषी है कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं है, इससे पूर्व में जो थे वो भी थे, वर्तमान में जो है वो भी हैं, कि कम से कम आवाज उठाएंगे ना। यहाँ के जो पूर्व में विधायक जी थे या सांसद जी थे, ये सब आवाज नहीं उठाए। गंगा के पार और इस पार में क्या फर्क नजर आता है? हम लोग जब आजाद भारत हुआ उस टाइम में हम लोग अमीर थे, सब कुछ था हम लोग के पास, और गंगा के उस पार कुछ नहीं था, हम लोग मदद कर रहे थे। आज जो गंगा के उस पार के जो सीएम लोग हो रहे हैं, वो यहाँ के गंगा के इस पार के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप चलिए ना, आपको जो हम आप यहाँ पे नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, नीतीश जी का जो गृह जिला है जी, उसमें देखिए कार्य क्या हो रहा है। और आप जाइए गंगा के इस पार किसी में दिखा दीजिए कहीं, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारा वो तो पॉलिटिकल बात हो गया, हम लोग आज सौराठ सभा में हैं, तो सौराठ सभा में जो है सो देख ही रहे हैं कि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है। लोग कहाँ से जुटेंगे? पहले क्या था, तो ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था था, सभा जब लगता था तो यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था गवर्नमेंट देती थी। यहाँ पिए जल की व्यवस्था होती थी, यहाँ रहने की व्यवस्था होती थी, यहाँ खाने की व्यवस्था होती थी सरकार की तरफ से। अब कुछ नहीं हो रहा है। हम ये 80 तक चला है सौराठ सभा में, लोग आए हैं मिथिलांचल के ब्राह्मण लोग, उससे अभी हम लोग भी देखते हैं, हम लोग को भी याद है कि यहाँ कुछ कुछ होता था गवर्नमेंट की तरफ से। महात्मा गांधी के जीवन पे ही लगा दिया जाता था, यहाँ जो है सो एक उनके जीवन कथा पर ही नाटक होता था गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारा प्रोग्राम होता था। तो सरकार विलुप्त करती चली गई, सरकार को इस सबसे ध्यान नहीं है। सरकार कैसे चले, कैसे विधायक बचे रहे, इसी सब पे ध्यान रहता है सरकार की, इस सब चीज़ पे ध्यान। कहीं ना कहीं लोग खफा हैं, बातचीत करने के बाद यही अंदाज़ा होता है कि सरकारी सुविधाएं यहां पर नहीं हैं और सरकार से नाराज़ हैं, चाहे यहां के पंडित जी हों या आसपास के लोग हों, स्थायी लोग हों। तमाम लोगों का यही कहना है कि नाराज़गी बस इस वजह से है क्योंकि एक धरोहर है जिसे बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। यही चीज़ अगर गंगा के उस तरफ होती तो शायद इस पे काम होता। रही बात मैथिली ठाकुर को लेकर के, तो ये बातें अब पुरानी हैं, साल भर पहले की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक कसक है कि आखिर क्यों, एक टीस है कि आखिर क्यों मिथिलांचल के नाम को एक दफ़ा बदनाम किया गया। और कहीं ना कहीं ये बातें दूर तक गई कि मैथिली ठाकुर ने ऐसा कुछ कहा था, हालांकि वो यहाँ के स्थानीय लोगों से, कुछ लोगों से माफ़ी मांग चुकी है। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान। ये हम आपको यहाँ पे जो मंदिर है वो हम दिखाते हैं, बाबा माधवेश्वर
नाथ मंदिर है ये, और ये मंदिर यहाँ पे पहले से बहुत सालों से स्थित है, और इसके बारे में इतिहास है कि ये मंदिर सौराठ का जो ये मंदिर है, यहीं पर बेसिकली जो वर वधु को चुनने का जो काम किया जाता था यहीं पे सभाएं लगती थी। ये बहुत पुराना है, दरभंगा के महाराज के द्वारा बनाया गया हुआ है। हालात देख सकते हैं कैसा हाल बना हुआ है, इस दीवारों को देख करके आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसके पत्थर बता रहे हैं कि ये बहुत पुराना है, लेकिन नीचे जो हालात बने हुए हैं वो ये बताता है कि सरकार क्या कुछ कर रही है और कैसी यहाँ पे व्यवस्था है, किस तरह का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मिथिलांचल के अलग अलग धरोहर में से ये एक धरोहर है, लेकिन हर धरोहर का लगभग यही हाल है कि सरकारें अनसुनी कर रही है हर चीज़ को, और कहीं ना कहीं मिथिलांचल के साथ ये एक भेदभाव होता जा रहा है। स्थानीय लोग हों या यहाँ के पुजारी हों, तमाम लोग नाराज़ हैं। मंदिर के पुजारी तक को 551 रुपये महीने का हिसाब से पैसा दिया जाता है। ये व्यू है, पीछे मंदिर है, और ये मंदिर आप देख सकते हैं, मंदिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंडीशन में है, लेकिन इसको भी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है, और आसपास के जो एरिया हैं उसके हालात बेहद बुरे हैं। पत्थर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम गिर चुका है। इसके ऊपर माना जाता है कि पूरा छत की तरह था, लोग इस पर चल फिर सकते थे, चारों तरफ घूम सकते थे, लेकिन ये पर्यटक स्थल अब उस हाल में नहीं है कि लोग इस पर घूमें, लोग इस पर फिरें, क्योंकि अगर इस दीवार पर कोई चढ़े तो मुमकिन है कि दीवार ले करके वो खुद भी गिर जाए। हम आपको मंदिर का ये व्यू दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मंदिर काफ़ी विशाल है, काफ़ी यहाँ पर अंदर तक का व्यू हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंदिर है, और अंदर इधर दाएं तरफ में भी मंदिर का ही एरिया है ये, और तमाम तरह से मंदिर तो कंडीशन में है पूरी तरीके से, बस डेंटिंग और पेंटिंग की ज़रूरत है। आसपास की जो दीवारें हैं, जो घेराबंदी है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट चुका है, बिखर चुका है, और इसे बनाने की ज़रूरत है, इसे संवारने की ज़रूरत है, और बनाना भी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ये जगह कोई आम जगह नहीं है, एक पुराना ऐतिहासिक स्थल है, और इस स्थल को बनाना और संवारना सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। वर्ष 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी, कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।